Hey guys, welcome back to my channel. I hope आप लोग बढ़िया हो गए यार। So, कुछ दिन पहले ना मैंने अपने YouTube चैनल में एक पोस्ट करा था कि अपनी स्कॉर्पियो के लिए ना कुछ मॉडिफिकेशन आया है। So, अभी अपना मोंटू ना उसी चीज को खोल रहा है और आपको आज हम बताते हैं अपने हमने स्कॉर्पियो के लिए क्या मंगाया है। क्या लगता है मोंटू, क्या होगा इसमें, कुछ आइडिया है? तुम्हें तो पता ही है। खोलो मोंटू, तुम्हें क्या आइडिया है? भाई साहब, पैकिंग के अंदर पैकिंग। ओहो, तो फ्रेंड्स ये है भाई अपनी स्कॉर्पियो की नई डीप पिलर वाली लाइट है यार, रिसेंटली मार्केट में लॉन्च हुई है। कैसी लग रही है मोंटू? सही लग रही है, देखेंगे लगने के बाद। अभी इसको एक बार इंस्टॉल करवाते हैं और इसका प्राइस भी आपको हम बताएंगे, तो वीडियो बने रहिएगा। अभी इंडिया में ना काफ़ी कम लोगों ने ये वाली लाइट लगाई है और होपफुली हमें मिल गई, अपने लिए अवेलेबल हो गई। तो चलो इसको एक बार इंस्टॉल करवाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसका रिस्पॉन्स कैसा है। तो भाई इधर अपनी स्कॉर्पियो की लाइट पटोने लगी है। ये वाली डीप कलर वाली लाइट है जो कि आपको मैंने दिखाया था ना पहले बार, गाड़ी खोल दूँ। भाई साहब पैकिंग बड़ी अच्छी आई है इस लाइट की, और कुछ नहीं ना रो वो काम आ जाएगा मेरे। हाँ वही कह रहा हूँ, कार्टून दे मुझे। जी देख रहे हो, ये लाइट कुछ ऐसी लगेगी यहाँ पर, जब ये लग जाएगी ना ऐसा लुक आएगा कुछ ऐसा इस तरह का। फ्रेंड्स एक साइड की लाइट अपनी फिट हो चुकी है और अब हम कर रहे हैं इसकी वायरिंग, दूसरे साइड की लाइट खुल रही है अपनी। और कैसा लुक आ रहा है मोंटू अभी? सही है, लाल रंग गाड़ी चला अनलॉक होगी ना तो उसमें रंग खुलेगी। सीक्वेंसल वाली हेडलाइट है, मतलब टेल लाइट कलर वाली लाइट है वो फिट हो चुकी, वायरिंग हो चुकी है उसकी, क्या बोलते हैं आपके टेल लाइट से। अब उस तरफ की लाइट और फिट होना बाकी है, फिर आपको दिखाएंगे, फिर आपको हम पूरा गाड़ी का लाइट रिस्पॉन्स चेक कराएंगे। और बादल का भी टाइम हो चुका है, बारिश भी लग रही हो सकती है। ये मोंटू अब इंडिकेटर दे रहा, तो इंडिकेटर कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है। दूर से मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, ये देखो अच्छी लग रही है। क्यों, कैसी लग रही है लाइट भाई? एकदम मज़ा आ गया, काम तुम्हारा हो रहा है पर मज़ा हमें आ रहा है। बढ़िया, अंदर मोंटू कंट्रोल कर रहा है लाइट। और भाई इसका खोलने का तरीका थोड़ा सा मुश्किल है, पीछे से पूरा ताम जाम खोलना पड़ता है तब जाके ये खुल रही है लाइटें। एक बार ब्रेक दबाना मोंटू पूरे, ये देखो ये ब्रेक का मैट्रिक्स। ब्रेक वाला दिन में उतना मालूम नहीं पड़ता जितना इंडिकेटर मालूम पड़ता है, ये देखो। और ये कुछ कैमरा भी नहीं दिखा पा रहा होगा ढंग से, पर आँखों को तो मालूम पड़ रहा है, कैमरे में नहीं आ रहा। एक बार चलो इसको पूरा फिट हो जाने दो ना, फिर मैं आपको एक बार कंप्लीट रिस्पॉन्स चेक कराऊँगा कैसा। शाम हो चुकी है और इस लाइट का रिस्पॉन्स हम आपको शाम को दिखाते हैं कैसा आ रहा है। इस टाइम पर ना अभी टोटल सब कुछ गाड़ी की लाइट वगैरह ऑफ है और आप भी इसकी फिटिंग देख लो एक बार स्टॉक से। हाँ ये है कि आफ्टर मार्केट में ना थोड़ा सा गैप वगैरह यहाँ पर रह जाता है, खैर उसका कुछ नहीं कर, आफ्टर मार्केट लाइट इतना तो होता है। अब मैं बोलूँगा ना मोंटू को, एक बार मोंटू इंडिकेटर दे मेरी राइट साइड का, ये देखो ये इसका इंडिकेटर है कुछ। इसमें ना इंडिकेटर और क्या बोलते हैं आपका पार्किंग ब्रेक, ये दोनों इसी से चलते सीक्वेंशियल। अब एक बार ना चारों वाली ऑन कर दे हजार्ड लाइट, ये देखो इसकी हजार्ड लाइट है। अभी आपको वीडियो में ऐसा लग रहा होगा ना कि जैसे कि ये थोड़ी सी कम चल रही है, क्योंकि ना ये थोड़ा सा राइट का एंगल है इनका, तो इसीलिए ऐसा लग रहा है। पर अगर हम दूर से बात करें ना तो देखो दूर से भी काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत काफ़ी ब्राइट लाइट है इसकी। और एक जो होता है ना स्कॉर्पियो का एक अच्छा सा, मतलब कि पीछे से जो भरा भरा लुक होता है वो भी आ रहा है। देखो मैं दूर से दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ से कितनी बढ़िया लग रही है ये लाइट। एक बार मोंटू चारों लाइट बंद कर दे, इंडिकेटर बंद कर सारे। अब ब्रेक दबा, इसके ब्रेक का ये जो लाइट है ना, ये ब्रेक का सीक्वेंस ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। फिर से हटा कर दिखा, पहले ऊपर से ना एक लाइट नीचे आती है, फिर नीचे से ऊपर पूरी भर जाती है। दबाइए ब्रेक, ये देखो ये नीचे आई और ये पूरी भर गई। अब
दवा देखा, दूर से दिखाता हूँ मैं आपको दूर से कैसा लग रहा है। ये देखो, ये देखो, ये राइस इफेक्ट आ रहा है ना, मैट्रिक्स वाला दबाना मोंटू। ये देखो दूर से ब्रेक दबे हुए तो कितना अच्छा लुक आ रहा है, मतलब ना शी शेप बन रहा है यहाँ से। ये देखो भरा भरा सा लुक आ रहा है पूरा। ये है कि आफ्टर मार्केट लाइट है, इसकी कोई गारंटी वारंटी तो नहीं है। जो प्राइस है इसका वो है 6500 रुपये। तो अभी तो मैं आपको बोलूँगा ना, अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो अभी, पर इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन भी आएंगे। आई थिंक स्मोक वाला भी ऑप्शन आएगा इसमें। और सारी लाइट एक बार जला के दिखाना, तो सारे इंडिकेटर वगैरह ऑन कर दे। अब ब्रेक दबा, ये देखो अभी जो टोटल कंप्लीट लाइट ऑन है। उसके बाद सेटअप ऐसा आ रहा, अभी शाम का टाइम हुआ हुआ है, तकरीबन टाइम हो गया 7:10, तो अभी ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है। दिन में भी काफ़ी इसका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। मैं आपको इसके बाद ना अभी नाइट का रिस्पॉन्स और दिखाऊंगा, और एक बार ना आपको मैं गाड़ी अनलॉक और लॉक करके दिखाता हूँ, तब क्या इसमें इफेक्ट आता है। टाइम पे ना अपनी गाड़ी अभी हमने लॉक कर रखी है, एक बार मैं इसको ना अनलॉक करके दिखाता हूँ। देखो जैसे अनलॉक करूँगा ना तो क्या इफेक्ट आएगा, ये देखो। ये तो इसका अनलॉक वाला इफेक्ट है। अब मैं इसको लॉक करता हूँ। लॉक में तो सिंपल है, जो हजार लाइट ऑन होती है तो वो ऊपर हो जाती हैं। अनलॉक में क्या है, पहले ऊपर से नीचे एक लाइटें आती हैं, फिर ये सीक्वेंस जलता है, फिर ये सीक्वेंस ऊपर से आगे नीचे आके बंद हो जाता है। और एक बार मोंटू पार्किंग की लाइट जलेंगे इसकी, पार्किंग की लाइट वो तो बिना चाबी की जल जाएगी। पार्किंग की लाइट जलाने पर देखना, तो इसमें ना सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं, तो एक सिंपल सा लुक आ जाता है, लंबा डंडे जैसा। ये देखो, ये देखो, ये है इसका पार्किंग ऑन वाला इफेक्ट। काफ़ी अच्छा है इसका पार्किंग ऑन वाला इफेक्ट। एक बार और करिए मोंटू पेन चालू, मोंटू और थक रहा अपना बार बार। एक बार पार्किंग ऑन कर, इसकी ऑफ करके ये देखना, पार्किंग का ना कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। अभी करिए ऑन, ये देखो काफ़ी बढ़िया लाइट है। मतलब कि ना इसमें काफ़ी एक दो ऑप्शन हैं जो अच्छे लगते हैं। अब थोड़ी सी शाम का टाइम हो चुका है, मतलब रात होने से लगी है, और अब देख रहे हो टोटल सारी लाइटें ऑन है। ब्रेक पर पैर है। एक बार मोंटू शीशा खोलिए गाड़ी का, शीशा खोल लो तो पास कर लेगा, शीशा डाउन कर, न्यूट्रल करके गाड़ी ना एक बार ब्रेक से पैर हटा के ब्रेक पर पैर लगा। अब ब्रेक दबा, तो इसका सीक्वेंशियल लाइट आ रहा है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। पार्किंग ऑफ करिए सारी, ये देखो मतलब काफ़ी बढ़िया लग रही है। इस लाइट का रिस्पॉन्स भी मतलब अच्छा आ रहा है, मतलब साइड से बोलूँ ना देखो कुछ ऐसा लुक आ रहा है इतनी साइड से। अब मैं आपको ना इन लाइटों का नाइट रिस्पॉन्स दिखाऊंगा। मोंटू एक बार लाइट खोल पार्किंग, ये देखो ये है भाई पार्किंग का। एक बार बंद करके फिर से खोल पार्किंग, अब खोल, ये देखो अब पार्किंग कैसे चलती है। अब इंडिकेटर देख दैट का, ये कुछ इसका इंडिकेटर है। अब इंडिकेटर बंद करके ब्रेक दबा, पैर हटा ब्रेक से, एक बार फिर दबाइए ब्रेक। ये देखो इसका ब्रेक का देखना, देखना ये सीक्वेंशियल चलता है। आपको बताने के लिए मैंने ये लाइट ली थी, दिखाने के लिए कि कैसा इनका रिस्पॉन्स आ रहा है। भाई मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, तुझे कैसी लग रही है मोंटू लाइट? मुझे भी बहुत सही लग रही है, लाइट बहुत अच्छी है भाई इसका। मतलब आई कैची लाइट है कि स्कॉर्पियो में आज तक कभी ना डी पिलर वाली लाइटें आई नहीं है, सो इससे एक अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। सो फाइनली गाड़ी बड़ी सी लगने लगी है। हाँ थोड़ा थोड़ा गाड़ी का स्टांस ऊंचा ऊंचा सा हो गया, मैंने कुछ कुछ क्लिप्स भी डाल रखी थी बीच में, जिससे आप लोगों को एक आइडिया होगा कि गाड़ी का क्या लुक आ रहा था। So thanks for watching this video. See you next time in next interesting video.